जैसे वो कह सकते हैं कि कबूतर बिल्ली देख के आंखें बंद कर लेता है, वैसे उन्होंने आंखें बंद की। तो अल्पावधि कर्जा शामिल है इसमें, इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे शामिल है। आज दौर की अजय बरादरी इंसाफ है, तिजारत को कैसे कंटिन्यू रखना है यही हमारा मिशन। हम चाहते हैं कि कारोबार को फौरी तौर पे छोड़ा दे, किसी इदारे से किसी भी शख्सियत के खिलाफ बात नहीं करे, और ताजर को हर आने वाली प्रॉब्लम जो है उसका हल जो है वो निकालना हमारा मकसद है। शुरू दिन से ये मैं कह रहा था कि मैं इस काम में ना मुलाकात ना वास्ता ना बिला वास्ता, मैं इस मामले में ना पहले ना बाद में ना कभी इंदा ज़िंदगी में किसी के नुकसान में मैं कभी शामिल ना हुआ हूँ ना हुआ। कोई भी इशू हो, बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, कोई भी हो, मईशत के मामले में पे आप हमेशा ना सिर्फ बेबाक दोनों तरीके से अपना सारे ख्याल रखती है, बल्कि हर इशू में आप अपने तमाम ताजर भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। बिजनेस कम्युनिटी के नहायत अहम ताजर भाइयों के साथ बहुत सी ज्यादती हो रही है पिछले दिन, जिसकी तफसील आमिर फारूक बादशाह के साथ अभी भी आप बयान करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इस हद तक जो मीडिया में ऐलान करना चाहता हूँ कि आप अपने तमाम साथियों के साथ हर ताजर के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। हम हर इशू के ऊपर हमें किस भी हद तक जाना हो हम अपने बिजनेस कम्युनिटी के भाइयों के साथ हैं, और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कोई भी नाजायज हथियार कंधे, कोई भी गैर कानूनी मामला, इनसे फौरी तौर पर खबरदार रहें, अपने हाथ इनसे पीछे रखें, वरना आप नहीं जानते कि ताजर का गुस्सा जो है वो आपके गिरेबानों तक पहुंच जाएगा। ग्रुप दूसरा था उसने पहल की थी और ये इस ग्रुप ने उसको बेसिकली काउंटर किया, लेकिन आपको पता है किसी ने कुछ को बुझा दिया तो वो साने हो गया। अब उस साने में ना तो हाजी अशफाक खुद इन्वॉल्व है, ना वो वहाँ पर मौके पर, ना उसका बदल, उसका वो उसका सिर्फ कसूर ही है कि वो मार्केट का सदर है, और इस तो जो बंदा जिनके साथ ग्रुप चल रहा है वो उनके मार्केट का जो उनका ग्रुप है उस ग्रुप में वो नायब सदर ही है। छः माह हो गए हैं जनवरी से लेके 30 जून तक, आज तक उनका बिजनेस बंद किया रखा गया है कि बिजनेस नहीं किया जा रहा। मैं समझता हूँ ये जो जितने भी अगर कोई मामला होते हैं तो ये अदालती मामला होते हैं, अदालत में केस चलते हैं, जो कसूरवार है हम किसी कसूरवार के साथ नहीं, हम कहते हैं जो कसूरवार उसको पकड़े हैं। किले बहाने कर रहे हैं जिसका हम तीन महीने से लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे भी कोशिश कर रहे हैं, प्यास के प्लेटफॉर्म पे भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस बेचारे ताजर की सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन किसी का माशी कदम वो हम उसकी इजाजत नहीं दे सकते क्योंकि हम ताजरों के नुमाइंदे हैं, हमारे को भी फर्ज बनता है, और ये वो लोग हैं जो अपनी मार्केट के सारे लीडर हैं जिसको अदालत ने भी खोलने की इजाजत दे दी, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। तो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ताजर जो है किसी एक ताजर के साथ भी ज्यादती होगी तो लाहौर के तमाम ताजर कटे इस अदालतों में है, अदालतें इंशाल्लाह इंसाफ करेगी। लेकिन मुझे ये हैरानी है कि ये कभी तारीख में नहीं हुआ कि कितने दुनिया में झगड़े होते हैं, बॉर्डर होते हैं, कदर होते हैं, रोजाना लाहौर में भी कितने दुकानें बंद किया पुलिस ने आज तक, इस वजह से भी कत्ल हुआ है तो जहाँ झगड़ा नोसी और अमन का खतरा है हम बात करवाते हैं, तो हम इंसाफ मांगते हैं सी सी पी ओ साहब से, ताजर बरादरी इंसाफ मांगती है डी आई जी साहब से, और ताजर बरादरी इंसाफ मांगती है चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से। साहब के बच्चों का क्या, जिनकी दुकानें हैं जिनकी दुकानें बंद कर दी गई हैं, इस इन दुकानों को फौरी तौर पर खोला जाए, इनको कारोबार की इजाज़त दी जाए, कोर्ट्स ने इनको कारोबार करने की इजाज़त दी है, तो हमें इनको कारोबार खोलना चाहिए, इनको खोलना चाहिए, और हम इसकी बिल्कुल बिल्कुल उनकी आवाज़ बनेंगे। हम अब एक ये कहना चाहते हैं कि कारोबार किसी सूरत बंद नहीं करना चाहिए, कारोबार बंद नहीं होना चाहिए, इसमें तमाम ताजरवादी मेरे साथ शामिल है। वजह से कि उसकी
जो मुखालफी हैं वो कुछ जाती रंजिश की वजह से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमारे जो अदारे हैं उनका मौकफ ये है कि वहाँ कोई नुकसान ना हो जाए, और अगर वो लोग ताजर की हिफाजत नहीं कर सकते तो उनको अपनी जगह पे नहीं होना चाहिए, उनको छोड़ के इदारे से रह जाना चाहिए। कि उन दो दुकानों पे 16 खानदान जो पलते हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनका क्या कसूर है? वो कहाँ से खाना खाएंगे? एक तरफ तो कोविड की वजह से ताजर बेचारे परेशान, दूसरी तरफ जो वर्कर है बेचारा जिसका सारा इंतजार इसी चीज पे है कि दुकान खुलेगी उसकी सैलरी मिलेगी। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है अपनी पुलिस से, अपनी इंतजामिया से, अपनी गवर्नमेंट से कि इस मामले को फौरी तौर पर सुलझा जाए, कारोबार खुलना चाहिए। तो इस चीज के लिए हम अदारों को ये कहना चाहते हैं कि भाई मेहरबानी जो आपकी ड्यूटी है उसको अमल में लाए, और आपके जो आपने सिक्योरिटी मुहैया करनी है ये आपकी ड्यूटी है, इसको देखें। और किसी भी ताजर के साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती है, 6 महीने के लिए उसका कारोबार बंद कर दिया। और हमारी पार्टी तजारत है, हमारी कोई सियासी पार्टी नहीं है, हमने तजारत को कंटिन्यू रखना है, तजारत कैसे कंटिन्यू रहेगी? और आप सबके लिए यही पैगाम देना चाह रहे हैं कि बराए मेहरबानी इस तरफ किसी भी ताजर की तजारत को रोकने से आपका कोई फायदा नहीं हो रहा, तमाम ताजरों में गलत मैसेज आ रहा है, तो इस पर फौरी तौर पर अमल करें और वो दुकानें खुलवाएगा आगे तजारत चल सके। और लाहौर की तमाम जो ताजर बरादरी है वो एक प्लेटफार्म के ऊपर है, और हमारा ये मुतालबा है कि हाजी इशफाक साहब के साथ जो इंतजामी सलूक किया जा रहा है और जो उनको हरासा किया जा रहा है उसको बंद किया जाए, और उनके जो 6 माह से जो कारोबार को बंद किया हुआ है, बंदिश है उसके ऊपर, और उनको इस तरह से तंग किया जा रहा है। तो हमारी ये डिपार्टमेंट से अपील है कि इस सिस्टम को बंद किया जाए। जो बात है कि ये सानिया हुआ इछरे में, चौरी कदीर साहब इनका बेटा जो है वो शहीद हुआ, और मैं दिली तौर पे इसका अफसोस करता हूँ, क्योंकि मैं खुद बच्चों वाला हूँ। कोई भी इंसान जिसके अपने बच्चे हैं वो कारोबारी है और सारी ज़िंदगी उसने कारोबार में गुजारी है, और वो ये नहीं चाहेगा कि कोई भी बदअमनी बाज़ार में, शहर में या मुल्क में पैदा हो। तो हमारा मज़हब, हमारा दीन भी हमें इस बात की तनकी करता है कि हुस्ने सलूक करें, और अगर कोई मसला बनता है, कोई ऐसा वकूआ होता है, तो उसमें शर ना पैदा करें। तो मेरी जो दुकानें बंद हैं, यकीन करें कि मुझे खुद दिली तौर पे इस बात का सदमा था और है, और सारी ज़िंदगी ये रहेगा। अल्लाह ताला उसके वालदैन को सब्र जमील अता फरमाए, और अल्लाह ताला इस बच्चे को जन्नत फिरदौस में जाए। ये मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये मेरा जो अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है, सियासी इज़्ज़त दी है, मेरे नाम को ख़राब करने के लिए, मेरी इज़्ज़त को ख़राब करने के लिए, मेरी इज़्ज़त जो इनको बर्दाश्त नहीं है, ये उसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अदारे ये इस बात को मान नहीं रहे थे, लेकिन अदारों को अभी ये देखना चाहिए कि अभी ये खुद हार पहन के बाज़ारों में बैठ गए हैं कि हम सदर मुंतखब हो गए हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात है, इज़्ज़ो मंतशाओ व ज़िल्लो मंतशाओ, जिसको अल्लाह इज़्ज़त देगा हम इंशाल्लाह ताला उसका खैर मकदम करेंगे। और इंशाल्लाह ताला मैंने 20 साल से इछरे के ताजरों की खिदमत की है, और अल्लाह के फजल व करम से मैंने 24 आवर किसी ताजर की आवाज़ दिन को आई है, रात को आई है, दोपहर को आई है, तो मैंने उसको लब्बैक कहा है और उसके साथ चला हूँ। और अल्लाह के फजल व करम से इंसान जो बीजता है वो काटता ज़रूर है, लेकिन वक्ती तौर पर जो भी मामलात हैं, मैं इस बात पर पुरुद हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से मैंने ना कभी गलत किया है ना करूँगा, इसलिए अल्लाह के घर पर पुरुद हूँ। जो इंसान जितनी उसके दिल के अंदर सदाकत होती है, जितना वो हक पे चलता है, उसके ऊपर मुश्किलें आती हैं, लेकिन बिरआखिर उसको राहत आती है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर। किसी भी मुल्क में कोई भी कानून ऐसा नहीं है कि किसी का मुआशी कत्ल किया जाए। आज देखें 1 जनवरी से लेकर आज तक हाजी इशफाक साहब जो सदर इछरा बाज़ार के, उनकी शॉप्स को बंद किया गया,
بے گناہ ہیں، غلط مقدمات میں پھنسایا گیا ہے صرف حسد اور سیاست کے لیے، جن کا نقصان ہوا ہے ہم دیکھیں، نقصان ہم بھی بچوں والے ہیں، جن کا نقصان ہوا ہے ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں الحمدللہ۔ کیوں؟ کوئی بھی صاحب اولاد کوئی بھی کسی کا برا نہیں چاہتا۔ حاجی اشفاق صاحب کی حد تک کی بات ہے، حاجی اشفاق صاحب اس تمام معاملات میں بے گناہ ہیں، لیکن جو ان کا ساتھ معاشی قتل کیا جا رہا ہے، ان کے جو ملازمین ہیں 40 سے زیادہ، ان کے ساتھ کتنے فیملی وابستہ ہیں، وہ دیکھیں کیا ان کا کیا حال ہوگا، وہ بھوکے مر رہے ہیں۔ تو میں حکام بالا سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ان کو دیکھیں اور ان کی شاپس کو اوپن کروائیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل پاک 360، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔